Welcome to Unify Study. I am Priyanka Sharma. Today we are going to discuss artificial intelligence previous year questions. हम यहाँ पर UGC NET 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं. इसके पहले के वीडियो पार्ट वन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिंपल क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे और अब हम कुछ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन या फिर एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चन सर्चिंग के जितने भी क्वेश्चन है हम उसे डिस्कस करेंगे. और फर्स्ट क्वेश्चन इज इन कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट कैन बी स्टेटेड एज. कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम. हियर कॉन्स्टेंट्स का मीनिंग होता है लिमिटेशन या फिर रिस्ट्रिक्शंस. कॉन्स्टेंट का मतलब होता है किसी चीज को लिमिट कर देना, लिमिटेशन या फिर रिस्ट्रिक्शंस, किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट कर देना. और उस रिस्ट्रिक्शन के को सेटिस्फाई करते हुए जब हम उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो वो प्रॉब्लम कहलाती है हमारी कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम. दैट मीन्स प्रॉब्लम सॉल्व्ड अंडर द रिस्ट्रिक्शन. रिस्ट्रिक्शन के अंदर ही हमको उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है. इसके कुछ टर्म्स हैं. फर्स्ट वन इज वेरिएबल. इसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल लाइक v1 v2 एनीथिंग. और डोमेन, डोमेन दैट मीन्स जिस डोमेन में रहकर या जिन चीजों को हमको सॉल्व करना है, जिस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है उसके लिए हमारे पास लिमिटेड डोमेन है क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड है. एंड लास्ट वन इज हर वेरिएबल की एक वैल्यू होती है. ऑल वेरिएबल्स आर वन वैल्यू और वो वैल्यू हमारी होती है कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, अब कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम के में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है. ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम, क्रिप्ट एल्गोरिथम, क्रिप्ट क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम, पजल्स की जो प्रॉब्लम होती है. पजल्स में हमको रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि जैसे यहाँ पे एक इसमें बहुत सारे पार्ट्स दे दिए कि ये कहाँ से कौन सा पार्ट अपन जोड़ेंगे तो वो पजल पूरी फिल हो जाएगी. 8Q प्रॉब्लम, पजल प्रॉब्लम जो होती है वो. सुडोकू, सुडोकू क्या होता है हमारे पास में यहाँ पर 0 to 9 यहाँ पर बॉक्सेस रहते हैं 9 और यहाँ पर भी 0 to 9 और एक बॉक्स में भी 0 to 9 नंबर फिल करने होते हैं और कोई भी नंबर डबल रिपीट नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं ना. दैट मीन्स ये सारी जो प्रॉब्लम है वो कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम कहलाती है. अब हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, इन कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स कैन बी स्टेटेड एज अरिथमेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज दैट बाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स. सेकेंड है अरिथमेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज दैट डजंट बाइंड एनी रिस्ट्रिक्शन. डजंट बाइंड एनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं, हमें तो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम में. दैट मीन्स बाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर. इसके बाद वाले ऑप्शंस भी पढ़ सकते हैं. वो क्या है, अरिथमेटिक इक्वेशंस दैट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ओवर वेरिएबल्स, ये भी रॉन्ग है. और अरिथमेटिक इक्वेशंस दैट डिस्कार्ड कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट को डिस्कार्ड करते हैं क्या, नहीं हमें तो रिस्ट्रिक्शन लगाना है, उन्हें डिस्कार्ड नहीं करना है. हमारा आंसर होगा अरिथमेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज दैट बाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जून 2013 का क्वेश्चन है. द मैप कलरिंग प्रॉब्लम, मैप कलरिंग प्रॉब्लम दैट मीन्स हमारे पास में एक मैप दिया हुआ है उसको कलर करना है. अब किसी भी चीज को मान लो हम कलर करेंगे, ये एक बॉक्स है, ये मान लो कहीं का मैप है. हम इसको मैप कलरिंग प्रॉब्लम के थ्रू हम सॉल्व कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं.
हमने यहाँ पे ग्रीन कलर कर दिया, तो यहाँ पे ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पे भी ग्रीन कर दिया तो ये तो पूरा एक हो गया, हमें डिफरेंस तो पता चलेगा ही नहीं। तो ये मैप कलरिंग प्रॉब्लम में क्या करते हैं कि जैसे एक जगह को जो कलर कर दिया उसके आसपास का एरिया वो कलर का नहीं होना चाहिए, सो दैट हमें डिफरेंस मालूम चल सके। तो मैप कलरिंग प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग विथ द फॉलोइंग टेक्निक, दैट इज द कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। क्योंकि हमें उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, हमें इतने ही कलर्स यूज करने हैं या इस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये रिस्ट्रिक्ट रहता है, तो ये हुई हमारी कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2012 दिसंबर का क्वेश्चन है, द क्रिप्टरिथमेटिक प्रॉब्लम ऑफ टाइप ऑफ। हमने अभी कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम देखा था, तो उसमें ये प्रॉब्लम्स कहाँ यूज होती है, उसमें ये ऑप्शन था, ये नाम था। तो ये कौन सी प्रॉब्लम हुई हमारी, कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम रहती है इसमें कैसा होता है कि जैसे एस को एक वैल्यू दे दी, ई को एक वैल्यू दे दी, तो ये ई की भी वही वैल्यू होगी और ये ई की भी वही वैल्यू होगी, और कोई भी एक वैल्यू दो वर्ड्स को असाइन नहीं की जा सकती। दैट मीन्स यदि ई को 2 मिला है तो डी भी 2 नहीं हो सकता, एक वैल्यू किसी दो को असाइन नहीं की जा सकती। और आंसर इज कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ सितंबर 2013, क्वेश्चन है हमारा द ब्लॉक्स वर्ड प्रॉब्लम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉर्मली डिस्कस्ड टू प्लान एक्सप्लेन अ ब्लॉक वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम भी एक कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि जो वर्ड की मीनिंग हो सकती है तो उसमें भी ऊपर और नीचे में जो वर्ड्स आएंगे हमको उसको देख करके वो वर्ड्स फिट करने होते हैं। वहाँ पे एक ही वर्ड आएगा और उसके अलावा दूसरा नहीं आ सकता, तो वर्ड प्रॉब्लम भी हमारी कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इट इज द क्वेश्चन फ्रॉम सितंबर 2013, अज्यूम दैट ईच अल्फाबेट कैन हैव अ वैल्यू बिटवीन 0 to 9 इन अ क्रिप्टोरिथमेटिक प्रॉब्लम। ये एक प्रॉब्लम दी हुई है, इसमें एक प्रॉब्लम में बताया गया है कि 0 से 9 तक के हमको डिजिट्स लेने हैं। हम सी को 0 से 9 तक कुछ भी दे सकते हैं, आर को भी हम 0 से 9 तक कुछ भी दे सकते हैं, तो ये वर्ड हमको नंबर्स असाइन करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। नो टू अल्फाबेट्स कैन हैव द सेम न्यूमेरिक वैल्यू, यस करेक्ट, बिकॉज कोई भी दो अल्फाबेट की एक वैल्यू नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पे ओ और एस ये दो अलग अलग अल्फाबेट्स हैं, हमने ओ को 1 असाइन किया तो एस को हम 1 नहीं दे सकते, या फिर हमने आर को 2 असाइन कर रखा है तो एस को हम ना 1 दे सकते ना 2 दे सकते, क्योंकि दो वैल्यूज असाइन की जा चुकी हैं। तो ये हमारा करेक्ट है। सेकेंड, एनी टू अल्फाबेट्स मे हैव द सेम न्यूमेरिक वैल्यू, रॉन्ग, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्ट्री स्टेटमेंट्स हैं। अब थर्ड वन इज डी इज इक्वल टू 0 एंड फोर्थ इज डी इज इक्वल टू 1। डी की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, तो क्या हो सकती है डी की वैल्यू। डी हमारा कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ऑफ कोर्स हम उसको यहाँ पे 0 दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमारा डी कहाँ पे, यहाँ पे है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम टू असाइन डी एज 0। हम डी को यहाँ पे 0 नहीं दे सकते, हमें डी को यहाँ पे 1 ही देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ए को मान लो हमने 0 दिया, 2 दिया, 5 दिया, बट डी को यदि 0 दिया तो ये वैल्यू तो यहाँ से पूरी हट ही जाएगी, हमारे पास में सिर्फ इतनी वैल्यू बचेगी। बट यदि हम किसी चीज़ को प्लस करेंगे तो उसकी कैरी जो आती है वो 0 नहीं होती, कभी भी 1 हो सकती है। दैट्स वाई डी इज इक्वल टू 1। तो हमारा कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट वन एंड फोर्थ वन, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, 1 and 4th एंड सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ब्रांच एंड बॉन्ड सर्च। ब्रांच एंड बॉन्ड सर्च क्या होती है, नाम से समझ में आ रहा है, ब्रांच मीन्स बहुत सारे ब्रांचेस अलग अलग निकाल देना।
तो ये ब्रांच एंड बॉन्ड सर्च में होता है। ब्रांच एंड बॉन्ड सर्च इज यूज्ड विद डीएफएस। डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम यूज करते हैं ब्रांच एंड बॉन्ड टेक्निक। तो ब्रांच एंड बॉन्ड में एक्चुअल में करते क्या है, ब्रांच मीन्स सेवरल चॉइसेस आर फाउंड। ब्रांच मीन्स अलग अलग चॉइसेस, हम चॉइसेस फाइंड आउट करते हैं। और बॉन्ड मीन्स सेट द बॉन्ड ऑन द सॉल्यूशन क्वालिटी। हम यहाँ पे सेट द बॉन्ड, बॉन्ड सेटिंग करते हैं, बॉन्ड सेटिंग करते हैं, उसमें प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग दैट मीन्स जैसे यहाँ पर हमारी एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमने सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया या उसकी अलग अलग ब्रांचेस बना ली कि हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये वाली प्रॉब्लम को, और इनको ऐसे सॉल्व करते जाएंगे। तो जब हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो हमने अलग अलग ब्रांचेस बना ली और एक बाउंड सेट कर लिया कि इस बाउंड के थ्रू ये सॉल्व होगा और इसमें ये वाला नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, प्रून कर देते हैं, दैट मीन्स हटा देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। अंडरएस्टिमेट द रिमेनिंग डिस्टेंस मे कॉज डेविएशन फ्रॉम ऑप्टिमल पाथ। ऑप्शन नंबर टू, ओवर एस्टिमेट कांट कॉज राइट पाथ टू बी ओवरलुक्ड। एंड ऑप्शन नंबर थर्ड, डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड टू डिस्कार्ड रिडंडेंट पार्शियल पाथ। यस, इट इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं रिडंडेंट पार्शियल पाथ। इसमें बहुत सारे पाथ होते हैं, ब्रांचेस होती है, ये समझ में आ रहा है, और हम जो रिडंडेंट पाथ होते हैं, एक ही रास्ता, जैसे ये घर है और ये हमारे स्कूल है, और यहाँ से आने के लिए ये दो रास्ते, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये यहाँ से होकर के आता है, तो हम दोनों में से कोई भी एक रास्ते को यूज करेंगे, एक रास्ता हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो आंसर इज, डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड टू डिस्कार्ड रिडंडेंट पार्शियल पाथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है, मीन्स एंड एनालिसिस प्रोसेस। मीन्स एंड एनालिसिस एक प्रॉब्लम है, मीन्स एंड एनालिसिस एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। मीन्स एंड एनालिसिस, हमें नाम से समझ में आ रहा है, इसमें एनालिसिस करके हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। इसमें बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों भी सर्चिंग यूज होती है। अब इस प्रॉब्लम को हम एक ऐसे तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास में ये एक प्रॉब्लम है, हमें ये हमारा इनिशियल स्टेट है, और ये हमारा गोल स्टेट है। That is a goal state. ये हमारा goal state है और ये हमारा current state है, current state बोलो या initial state बोलो। तो यहाँ से हमें यहाँ पे पहुँचना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अलग अलग operators लगाएंगे और operator लगाने के बाद में हम इसको solve करते जाएंगे। कैसे, सबसे पहले हम इस problem को हमने sub parts में divide कर दिया। पहला हमारा focus है कि हम इस डॉट को रिमूव कर दें, दैट मीन्स डिलीट, डिलीट ऑपरेटर लगा दिया हमने, कि हमने क्या किया, इस पार्ट को रिमूव कर दिया, इस डॉट को रिमूव कर दिया। इसके बाद का हमारा गोल क्या है, हमारा सब गोल होगा कि हम इसको बाहर मूव कर दें, दैट मीन्स हमने ये ट्रायंगल को यहाँ पर मूव कर दिया। मूव करने के बाद में हमारा गोल क्या होता है, हमारा गोल हो सकता है कि इसको इनलार्ज कर दिया जाए, छोटा है तो हमें उसको बिग करना है, इनलार्ज कर दिया हमने, तो ये हमारा गोल स्टेट फाइंड आउट हो गया।
इस तरीके से हम मीन्स एंड एनालिसिस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मीन्स एंड एनालिसिस टेक्निक में हमने एक गोल को सब गोल्स में डिवाइड कर दिया और उन गोल्स के थ्रू हम हमारा जो एग्जैक्ट गोल है वो फाइंड आउट किया। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में अब हमारा क्वेश्चन आता है, मीन्स एंड एनालिसिस प्रोसेस सेंटर्स अराउंड द डिलीशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द करंट स्टेट एंड गोल स्टेट। वंस सच अ डिफरेंस इज फाउंड देन द रिड्यूस द डिफरेंस वन अप्लाइज। हम इसमें मीन्स एंड एनालिसिस में क्या अप्लाई करते हैं तो हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट होता है। ऑप्शन नंबर वन, अ फॉरवर्ड सर्च दैट कैन रिड्यूस द डिफरेंस। ऑप्शन नंबर सेकेंड, अ बैकवर्ड सर्च दैट कैन रिड्यूस द डिफरेंस। ऑप्शन नंबर थर्ड, बाई डायरेक्शनल सर्च दैट कैन रिड्यूस द डिफरेंस। एंड ऑप्शन नंबर डी दैट इज एन ऑपरेटर दैट कैन रिड्यूस द डिफरेंस। ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज एन ऑपरेटर दैट कैन रिड्यूस द डिफरेंस। एक ऑपरेटर हम लेते हैं और वो ऑपरेटर्स हम अलग अलग ऑपरेटर्स को हम उसमें इन्वॉल्व करके रिड्यूस करते हैं डिफरेंस को और हमारे गोल स्टेट में पहुंच सकते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारा मीन्स एंड एनालिसिस प्रॉब्लम प्रोसेस का। ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जून 2014 का है। द मीन्स एंड एनालिसिस प्रोसेस सेंटर्स अराउंड द डिलीशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द करंट स्टेट एंड गोल स्टेट। करेक्ट है, क्योंकि मीन्स एंड एनालिसिस में हम डिफरेंस करते हैं गोल स्टेट और करंट स्टेट में, एनालिसिस करते हैं और फिर हम वहां तक पहुंचते हैं। वंस सच अ डिफरेंस इज आइसोलेटेड एन ऑपरेटर दैट कैन रिड्यूस द डिफरेंस मस्ट बी फाउंड, बट परहैप्स दैट ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाइड टू द करंट स्टेट। सो द सब प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग टू अ स्टेट इन विच इट कैन बी अप्लाइड इज सेटअप। द काइंड ऑफ बैकवर्ड चेनिंग इन विच ऑपरेटर आर सेलेक्टेड एंड देन सब गोल्स आर सेटअप टू एस्टेब्लिश द प्री कंडीशन ऑफ ऑपरेटर्स इज कॉल्ड। अब इसका आंसर क्या होगा? पहला बैकवर्ड प्लानिंग, सेकेंड गोल स्टैक प्लानिंग, थर्ड ऑपरेटर सब गोलिंग, फोर्थ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो हम करंट स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए ऑपरेटर्स के थ्रू अलग अलग स्टेप से ट्राई करके हम वहां तक पहुंचते हैं। इसमें सारे में वही चीज लिखी हुई है, बैकवर्ड चेनिंग क्या है वो बताया हुआ है, बट लास्ट में हमारे हमें दिया हुआ है कि विच ऑपरेटर आर सेलेक्टेड एंड जो ऑपरेटर हमने सेलेक्ट कर लिया बैकवर्ड चेनिंग के लिए दैट इज ओके, देन सब गोल्स आर सेटअप टू एस्टेब्लिश द प्री कंडीशन ऑफ ऑपरेटर्स इज कॉल्ड द ऑपरेटर सब गोलिंग। जब हम सब गोल्स बनाते हैं और हम ऑपरेटर को यूज करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटर सब गोलिंग। सो द आंसर इज ऑपरेटर सब गोलिंग। मीन्स एंड एनालिसिस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमें नेट क्वालिफाई करना है, तो हमारा सबसे बड़ा गोल होता है मेजर गोल नेट क्वालिफाई करना। हमारे सब गोल्स क्या है? एक 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 सब्जेक्ट को पेपर वन और पेपर टू दोनों को फिनिश करना, ये दो सब गोल हो गया। अब इसके बाद में और सब गोल्स में हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक वन वीक वन वीक वन वीक दे दिया और हम उन सब गोल्स को अचीव करेंगे तभी हमें हमारा मेजर गोल मिलेगा। सो मीन्स एंड एनालिसिस प्रॉब्लम को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज में हम सर्च टेक्निक्स के और क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करेंगे। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन। थैंक यू।